वाशिम के कारंजा स्थित भाम देवी में आयोजित चंद्र प्रभु जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुनिश्री संदान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 13 मार्च को तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तीर्थंकर के जन्म से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो उठा। महाराष्ट्र स्थित भाम देवी में इन दिनों श्री मजिनेन्द्र चंद्र प्रभु जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 13 मार्च को भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में आनंद के साथ भाग लिया। मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री संधान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में इस महोत्सव की मांगलिक क्रियाएँ की जा रही है। महोत्सव के तीसरे दिन भक्तों ने मुनिश्री के उच्चारित मंत्रों द्वारा प्रभु का अभिषेक एवं वृहद शांति धारा की। सर्व शांतिर्भवतु ॐ ह्रीं अरुण नमो गुरु गुणाणु सर्व शांतिर्भवतु। इंद्र इंद्राणियों ने बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के कुशल निर्देशन में अष्ट द्रव्यों के साथ तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियाँ सम्पन्न की। महोत्सव के अंतर्गत सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है, जिसके बाद वह अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इसके बाद सौधर्म इंद्र एवं शचि इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर हजारों श्रावक श्राविकाओं के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। जहां बाल तीर्थंकर को पांडुक शिला पर विराजमान कर 1008 स्वर्ण कलशों से जन्माभिषेक किया। भाम देवी में आयोजित हो रहे महोत्सव का समापन 16 मार्च को तीर्थंकर प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के साथ किया जाएगा। जैन फोकस के लिए वाशिम महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।